हेलो फ्रेंड्स, गजानन ऑटो सर्विस एंड पार्ट्स में आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा, शायद आपको पता चल गया होगा थंबनेल देख के। दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं आपको ब्लूटूथ म्यूजिक प्लेयर के बारे में बताने वाला हूँ, जो वायरलेस है दोस्तों, और वो किसने भेजा है, किस तरह से इसको लगाना है गाड़ी में और कितनी इसकी MRP, वो सारी चीजें मैं वीडियो में डिटेल्स में कवर करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये जो वायरलेस ब्लूटूथ की बात कर रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लूटूथ हैंड्स फ्री किट लिखा हुआ है और इसके ऊपर मेरा नंबर एंड मेरा एड्रेस है, जो मैं हाइड करता हूँ क्योंकि दोस्तों थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। अभी दोस्तों मैं इसको तोड़ के दिखाता हूँ आपको क्या क्या है इसके अंदर। तो इस तरह का दोस्तों ये मोटरसाइकिल ब्लूटूथ है, ठीक है, और ये इसका मॉडल नंबर। बहुत ही इजी है, मतलब फिटिंग इसका मैंने इसकी वेबसाइट पे दिखा था। तो अभी इसको ठीक तरह से पूरा ओपन करते हैं। इस तरह से दोस्तों इसका पैकिंग आता है पूरा, और ये इसका दोस्तों मतलब मैनुअल है किस तरह से म्यूजिक प्लेयर को इंस्टॉल करना है। और ये रहा दोस्तों हमारा ब्लूटूथ म्यूजिक प्लेयर, देखने में तो एकदम शानदार दिख रहा है दोस्तों। अभी लगा के इसका टेस्टिंग करने के बाद में पता चलेगा। तो दोस्तों इसका वायरिंग हार्नेस क्या है, वायरिंग हार्नेस एक सॉकेट दिया है 3 पिन वाला, साथ ही में एक वाइट केबल है एंड एक ब्लैक केबल है। तो बहुत अच्छा है, मतलब बहुत सिंपल है। और उसके साथ दोस्तों शायद यहाँ पे फ्यूज़ दिया है, ठीक है, तो वो भी बहुत बढ़िया है कि फ्यूज़ दिया है, तो अगर गलती से भी शॉर्ट वायरिंग होगा तो सबसे पहले फ्यूज जल जाता है, तो उसके कारण दोस्तों आपका वायरिंग बच जाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल से थियरी है। अभी गाइस इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो दोस्तों ये जो होता है वो स्टेयरिंग पे इंस्टॉल होता है, और इसका मैनुअल दिया गया है जो किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो मैं सारी चीज़ें मैनुअल की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैनुअल चाहिए नहीं, क्योंकि वायरिंग में पूरा आपको ठीक तरह से बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर 3 तरह के वायर है, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। तो तीनों को कैसे इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले दोस्तों इसका ऑपोजिट वाला सॉकेट हमें बनाना पड़ेगा। और मेरे पास पुराना वायरिंग पड़ा है जो यहाँ पे है, 8 नंबर के ड्रॉअर में। यहाँ पे दोस्तों बहुत गाड़ियों का पुराना वायरिंग पड़ा है मेरे पास, इनमें से मैं इसका ऑपोजिट मतलब फीमेल सॉकेट बना देता हूँ जिसका 3 वायर हो। ऐसा नहीं है दोस्तों कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, लेकिन 3 तो मतलब ये फीमेल सॉकेट हमें मिल जाएगा तो बहुत आसानी रहेगी, वायर काटना नहीं पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी पहले सबसे पहले इसको इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल कौन सी गाड़ी पे करने वाले, तो इंस्टॉल हम बजाज की एवेंजर 220 ओल्ड मॉडल में दोस्तों इसको इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं गाड़ी पे ले चलता हूँ। तो गाइस ये है एवेंजर 220। तो दोस्तों हम यहाँ पे स्टीयरिंग पे इसके ऊपर जो हमारा ब्लूटूथ है वो लगाने वाले हैं। तो ये रहा हमारा ब्लूटूथ, एंड इसको यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। और एक अच्छी चीज़ दोस्तों क्या है कि पहले तो यहाँ पे LNK दिया गया होता है, तो आपको डर रहता है दोस्तों यहाँ पे लगाएगी और कहीं पे पार्किंग किया होगा तो कोई निकल देगा, लेकिन दोस्तों ये LNK बोल्ट है तो जल्दी निकलते नहीं है, तो एक अच्छी चीज़ है। और दोस्तों ये कंपनी बोल रही है वाटर प्रूफ है, लेकिन मुझे परफेक्ट नहीं लगता कि ये वाटर प्रूफ है, फिर भी दोस्तों हम इस पर 1-2 दिन चलाएंगे। और इसका नेक्स्ट वीडियो जो दोस्तों आएगा उसमें शायद मैं आपको इसका रिव्यू दे दूंगा यूज़ करके कैसा है, ठीक है। तो अगर आपको दोस्तों ये बाय करना हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके बाय कर सकते हैं। गियर बेस्ट कंपनी मतलब वेबसाइट बहुत अच्छी है दोस्तों एसेसरी के लिए, और भी बहुत बढ़िया चीज़ें मिलती है हमें वहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ, उसके बाद दोस्तों जो ये इसका ऑपोजिट वाला दोस्तों जो सॉकेट है फीमेल वाला वो बना देते हैं नया, पुराने जो हमारे पास वायरिंग पड़े हार्नेस वहाँ से बाय कर देते हैं। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों ये ब्लूटूथ है, साथ ही में यहाँ पे ऑक्स केबल, USB एंड मेमोरी तीनों सपोर्ट है, आप चेक कर यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्स केबल है, ये USB एंड उसके अलावा दोस्तों ये लास्ट वाला है जो दोस्तों वो मेमोरी लगता है, ठीक है। तो ये इस तरह से, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे ब्लूटूथ को इंस्टॉल करने की इंस्टॉल कर देता हूँ, और इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों इसका वायरिंग किस तरह से लगाना है वो चीज़ आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, तो फाइनली
जो ब्लूटूथ स्पीकर है दोस्तों वो अच्छी तरह से सेट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एलन के नीचे से लगाया है, ठीक है, दोनों तरफ। तो ये डिस्प्ले है दोस्तों, बिल्कुल हमारे सामने रहेगा जैसे हम राइड करेंगे, ठीक है। और इसकी जो दोस्तों USB और वो सारी चीजें वो नीचे की तरफ रखी है मैंने, ठीक है। तो काम कैसे करता है और दोस्तों इसका वायरिंग कैसे लगाना है, तो अभी इसकी बात करते हैं। तो वायरिंग में जैसे मैंने आगे आपको बताया, ये सिर्फ 3 सॉकेट है और उसके अलावा दोस्तों ये ब्लैक वायर है एंड वाइट है, दोनों दोस्तों एंटीना है, मतलब FM एंड ब्लूटूथ का, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर FM एंड ब्लूटूथ, USB ऑक्स केबल, मेमोरी कार्ड, इतनी सारी चीजें दोस्तों इसके अंदर सपोर्टेड है। इसका आउटपुट कैसा है अभी दोस्तों मैंने चेक नहीं किया, लेकिन उससे पहले दोस्तों जो इसका जो सॉकेट है दोस्तों, ये मेल सॉकेट है, इसका फीमेल सॉकेट हमें दोस्तों बनाना, तो जो मैंने आपको बताया था वायरिंग हार्नेस का, तो ये दोस्तों वायरिंग हार्नेस है और ये पुराने वायरिंग से मैंने निकाला है इसका वायरिंग हार्नेस। तो अभी वायरिंग कैसे लगाना है, तो वायरिंग के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं एक रेड, एक ब्लैक एंड एक ग्रीन है, ठीक है दोस्तों। तो जो रेड वाला है दोस्तों वो बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट पे जाएगा, उसके अलावा दोस्तों जो ग्रीन वाला है लास्ट वाला, ये वाला तो ग्रीन वाला है वो बैटरी के नेगेटिव पे जाएगा, एंड जो ब्लैक वाला है दोस्तों वो हमें इग्निशन जो लॉक होता है हमारा, इग्निशन लॉक जब चाब की ऑन करते हैं हम और जब न्यूट्रल लाइट आती है, मतलब जो पावर आता है की ऑन करते हैं रिटर्न, तो उसी सॉकेट के अंदर, मतलब उसी वायर के अंदर हमें ब्लैक वाला लगाना है। तो किस तरह से एवेंजर के अंदर फिट करना है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये वायरिंग नीचे की तरफ ले लेता हूँ। तो गाइस, तो वायरिंग मैंने यहाँ से नीचे तक यहाँ तक ले लिया है, ठीक है। और जैसे बताया था मैंने, ये फ्यूज आता है दोस्तों, अगर वायरिंग में कुछ खराबी होगी और शॉर्ट होगा तो सबसे पहले ये इसके अंदर फ्यूज आता है, जो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कितने एम्पेयर का फ्यूज आता है। तो अभी इसके अंदर हमें दोस्तों जो हमने पुराने वायरिंग से ये जो सॉकेट निकाला है वो इसके अंदर सेट कर देंगे। और इसका वायरिंग दोस्तों, जो इसका इग्निशन लॉक आता है वो ये रहा, और साथ ही में ये रही बैटरी दोस्तों, ठीक है। तो इग्निशन लॉक के अंदर हमें पावर चेक करना है, तो पावर मतलब जब ये की ऑन की मैंने, और यहाँ पे जो दोस्तों लाइट आती है न्यूटन, जब की बंद करते हैं तो लाइट बंद हो जाती है, मतलब वो वायर कौन सा है वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह की गाड़ियों में दोस्तों जो व्हाइट कलर का वायर होता है वो सीधा बैटरी से पावर आता है इग्निशन लॉक के अंदर, जब कि हम ऑन करते हैं इस तरह से, तो रिटर्न पावर जो जाता है दोस्तों वो कौन सा है वो चेक करना है। तो वो भी किस तरह से चेक करना है, तो अगर आपके पास सीरीज हो, मतलब टेस्टिंग लाइट होती है जो दोस्तों टेस्टिंग बल्ब होता है, उससे भी चेक कर सकते हैं, साथ ही में मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पता है कौन सा वायर है इसमें, तो जो वाइट के पीछे दोस्तों ब्लू लाइनिंग दिख रही होगी रेड के अंदर, वो वायर दोस्तों हमारा रिटर्न पावर का है। तो इसके अंदर हम जो हमारा बीच वाला ब्लैक दोस्तों वायर है वो लगाएंगे, और जो पहला ग्रीन वायर है दोस्तों वो नेगेटिव, एंड दोस्तों जो रेड वायर है पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं वायरिंग, ये दोस्तों जो सॉकेट है वो खींच लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, तो वायरिंग पूरा कर दिया मैंने अच्छे से, अभी आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले जो रेड वाला दोस्तों है उसके अंदर ये हमारा स्काई ब्लू कलर का वायर है, जो दोस्तों मैंने बताया आपको ये पॉजिटिव में जाता है, मतलब कौन सा वाला, तो सबसे पहला वाला रेड वाला दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो ब्लैक वाला है, ब्लैक मतलब नेगेटिव रहता है, लेकिन दोस्तों इस वायरिंग हार्नेस के अंदर ब्लैक वाला हमारे पास ये ब्लू वाला है, और ये नेगेटिव नहीं है दोस्तों इस वायरिंग के अंदर, ब्लैक वाला मतलब इग्निशन लॉक। और जैसे मैंने बताया इग्निशन लॉक का जो दोस्तों जब की ऑन करते हैं और जो पावर आता है रिटर्न, वो वायर है रेड में ब्लू लाइनिंग। तो दोस्तों आपको जो ब्लू वाला, मतलब जो हमारा ब्लैक वाला वायर है, ये इग्निशन लॉक के अंदर जाने देना है। और इसके बाद दोस्तों जो वायरिंग हार्नेस के अंदर लास्ट वाला है दोस्तों, जो ग्रीन वाला, ये वाला, ठीक है, जो ग्रीन वाला है दोस्तों वो बैटरी नेगेटिव रहता है, तो बैटरी नेगेटिव पे यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। तो जैसे हम दोस्तों अभी ये ब्लूटूथ हमारा जो दोस्तों ये अभी ऑफ पोजिशन में है, जैसे मैं की ऑन करता हूँ, ये मैंने की ऑन कर दी, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैं की ऑन करता हूँ, अभी ये चालू हो गया है,
ठीक है, तभी इसको चेक करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं आप मोड लिखा हुआ है, तो मोड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, ये एफएम शुरू हो गया है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एफएम। ठीक है, उसके बाद ये ऑक्स ऑक्स का हो गया है दोस्तों। तो ऑक्स के बाद दोस्तों एक बार फिर से आपको मोड दबाना है, जिसके थ्रू ये ब्लूटूथ पे हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ब्लूटूथ चेक करके दिखाता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे पास ऑक्स केबल नहीं है एंड मेमोरी कार्ड यूएसबी नहीं है, तो मैं ब्लूटूथ पे पहले सेट करते चेक करते इसका साउंड आउटपुट कैसा है। ओ गाइस, तो ये ब्लूटूथ ऑन किया और इसका MT-487 है जो कनेक्टेड हो गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम म्यूजिक प्लेयर में जाएंगे और चेक करेंगे। ठीक है, शायद शुरू हो गए, इसका वॉल्यूम भी चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम 32 है दोस्तों, अब इसकी रेंज चेक कर लेते हैं, कितने रेंज है इसकी। ओके गाइस, वॉल्यूम कम कर देता हूँ पहले, एंड इसका जो दोस्तों रेंज है करीबन करीबन 100 फीट जितना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारी चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी इसका जो दोस्तों वाटरप्रूफ है या नहीं वो पूरा टेस्टिंग बाकी है, एक दो दिन चलाता हूँ मैं और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसका पूरा रिव्यू आपको दे दूंगा। ठीक है, बाय करने जैसा या नहीं करने जैसा, बाकी प्रोडक्ट तो दोस्तों कंपनी ने जो भी हमें भेजी है बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि दोस्तों इसका फिटिंग भी बहुत बढ़िया है और साथ ही में दोस्तों जो इसका मतलब जो यूएसबी मेमोरी कार्ड स्लॉट एंड ऑक्स केबल दिया है वो बिल्कुल अच्छा है। फिर से एक बार आपको दोस्तों वॉल्यूम बढ़ा के दिखा देता हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारी चीजें आपको अच्छे से कवर में आ गई होगी। और दोस्तों जो मैंने फ्यूज का बारे में बताया था आपको, तो फ्यूज इसके अंदर कितने एम्पियर का आता है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसको निकाल देता हूँ। तो देखिए गाइस, ये है इसका फ्यूज और इसके ऊपर वोल्ट तक लिखा है, 3 एम्पियर का है दोस्तों। ठीक है, 250 वोल्ट तक लिखा है इसके ऊपर, मतलब 3 एम्पियर तक चलेगा। तो गाइस, तो फाइनली सारी इंस्टॉलेशन हो गई और जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर दोस्तों जो 3 एम्पियर लिखा हुआ फ्यूज है, तो दोस्तों सारी चीजें कवर हो गई है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और दोस्तों इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा की लिंक आपके सामने है, तो उधर जाके भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।